The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। महिलाओं में कैंसर को प्रिवेंट और जल्दी से डायग्नोस करने का आज एक पैप स्मियर नाम का टेस्ट आपको समझाएंगे कि वो क्या होता है, और उसके बारे में आज जानना हर महिला के लिए बहुत जरूरी है। सो पैप स्मियर होता क्या है? देखिए, पैप स्मियर से सर्विकल कैंसर प्रिवेंट भी किया जा सकता है, जल्दी पकड़ा भी जा सकता है। क्या होता है सर्विकल कैंसर? सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स यूट्रस जो होता है, गर्भाशय जो होती है, जिस बच्चेदानी जो होती है, जिसके आसपास से ये दो फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज होती हैं, तो यूट्रस जो होता है, यूट्रस के निचले एंड को सर्विक्स कहते हैं, यहां पर जो होता है। सो यूट्रस का लोअर एंड जो होता है उसे सर्विक्स कहते हैं, नैरो एरिया, और वो उसके आसपास कवरिंग होती है वजाइना की, और वजाइना जो है नीचे आपको खुलता है बल्बा में। तो बेसिकली इस प्रकार का एक छोटा सा अंदर प्रोब डाला जाता है पैप स्मियर में। एक डॉक्टर जो है सेल्स करेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं पैप स्मियर से, उसमें से कुछ जो उसके ऊपर से स्क्रिपिंग सेल्स लेते हैं, और वो जाके आप लैब में चेक करते हैं कि वो किस प्रकार के सेल है। तो इस प्रकार के सेल्स लेके उसको छोटे से इसमें स्लाइड पे लगा के देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि भाई उसमें किस प्रकार के सेल हैं। क्या वो सेल्स किसी प्रकार के प्री कैंसरस सेल तो नहीं है, कोई इररेगुलर सेल्स तो नहीं है उसके अंदर? और प्री कैंसरस सेल्स हैं तो कैंसर होने से पहले ही कैंसर को ठीक किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। और अगर वहां पर कैंसर है तो अर्ली कैंसर, अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है, वरना सर्वाइकल कैंसर पूरे यूट्रस में, इधर उधर ओवरी में, और पूरे कभी कभी पीठ, एब्डोमिनल वॉल्स में, लिम्फ नोड्स में, पीठ में, उसमें सब में फैल जाने के बाद पकड़ में आएगा, तो फिर उसका पूरी तरह से फिर ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब करानी पड़ती। तो अर्ली स्टेज में अगर पकड़ लिया तो बहुत बढ़िया। ये बहुत कॉमन कैंसर है और सबसे अच्छा प्रिवेंटेबल कैंसर है, नंबर वन प्रिवेंटेबल कैंसर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल टेस्ट है ये पैप स्मियर। तो इसमें एबनॉर्मल सेल्स या फिर प्री कैंसरस सेल्स देखे जाते हैं, कैंसर बनने से पहले ही पकड़ में आ सकते हैं अगर यहां से वो सेल्स ले लेते हैं। कभी कभी सेल्स जो होते हैं वो कलेक्ट होने के बाद उनमें वायरसेस भी पकड़े जा सकते हैं, HPV नामक वायरस, HPV वायरस पकड़े जा सकते हैं, जो कि कैंसर बना सकता है लेटर ऑन। कुछ प्रकार के वायरस होते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या फिर HCV ऑल्सो, लिवर के लिए, लिवर कैंसर में भी वायरस का हाथ कई बार होता है। तो वायरस भी पकड़े जा सकते हैं उसमें टेस्ट करके कि वायरस तो नहीं है आपके अंदर। और पैप स्मियर जिसमें HPV टेस्ट पॉजिटिव आता है या स्क्रीनिंग होती है, वहां पर भी जो टेस्ट वी कैन यू नो बिफोर इवन सिम्टम्स आने से पहले भी पकड़े जा सकते हैं कि भी कोई सिम्टम भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फीमेल है, उसके इसमें भी पैप स्मियर रेगुलर करना चाहिए। जी हाँ, पैप स्मियर रेगुलर, रिसर्च ये बताती है कि अगर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की जाए यंग फीमेल से लेके, यंग एज से लेके ऊपर तक जो अगर स्क्रीनिंग की जाए, तो यू कैन रिड्यूस द ग्रेटली रिड्यूस, बहुत सारे कैंसर जो हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, और बहुत सारी कैंसर की वजह से डेथ होती है वो बच जाएंगे। सो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके इस बारे में जरूर पूछें कि आपके लिए बेस्ट एज क्या है पैप स्मियर करने की, हर एक के हिसाब से, ठीक है। सो अगर आप 21 से, इफ यू आर 21 से 29 ईयर्स के हैं, तो कितने रेगुलर कराना चाहिए? अगर आप 21 एज के ऊपर हैं, 21 to 29, और अगर आपका लास्ट पैप स्मियर जो था वो नॉर्मल था, तो आपके डॉक्टर जो हैं 3 साल तक वेट कर सकते हैं कि हर 3 साल में एक बार आप पैप स्मियर करा लो, 21 साल से 30 साल की उम्र के नीचे। अगर आप 30 से 65 साल की उम्र में, 30 साल के बाद, 30 से 65, और आपका एक बार कराया हुआ है 30 साल के बाद, वो पैप स्मियर आपका नॉर्मल था, तो फिर आप 3 साल तक फिर से वेट कर सकते हैं अगले टेस्ट में। और अगर अगर आपका, इफ यू ऑल्सो हैड अ नॉर्मल HPV टेस्ट, तब फिर आप 5 साल तक रुक सकते हो, समझ रहे हो, 5 साल तक रुक सकते हो अगले टेस्ट कराने में। अगर आप 30 साल में कराया, HPV नेगेटिव, कैंसर सेल नेगेटिव, 5 साल के बाद कराएंगे, तो 5 साल के बाद एक आपने ये टेस्ट कराना है। और अगर आप 65 साल के ऊपर हैं, और अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको यू डोंट नीड पैप स्मियर एनी मोर, तो कब बोलेंगे ये ऐसा? अगर आपका, इफ यू हैड नॉर्मल पैप स्मियर फॉर सेवरल इयर्स, हर साल इतने सालों से आपके पास में सब नॉर्मल आ रहा है, तो आपके कैंसर के बनने के चांस नहीं है। अगर आपके यूट्रस ही निकाल दिया गया है,
यूट्रस कई बार बच्चेदानी निकल जाती है 60 साल की उम्र तक, और तो आपके जब यूट्रस ही निकल गया है तो फिर उसका टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो ऐसे केस में आपके टेस्ट की जरूरत नहीं। अगर आपका रिस्क है, हायर रिस्क है, तब आपके डॉक्टर जो है 65 साल के ऊपर भी आपको रेकमेंड करेंगे कि हाँ आपको ये करना चाहिए। तो ये 30 से 21 साल ऐसा 21 साल से ऊपर की उम्र में रेगुलर करना चाहिए। तो किनको करना चाहिए और किनको कैंसर का रिस्क है? अगर किसी का भी एबनॉर्मल पैप्समियर आ गया, एबनॉर्मल पैप्समियर आ गया, उसका रिस्क है, उसको रेगुलर करना चाहिए। एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है आपको तो भी आपको रेगुलर करना चाहिए। वीक इम्यून सिस्टम है तो भी करना चाहिए। ये एक प्रकार का दवा है, डाइएथिल सिल्बेस्ट्रोल। अगर इस प्रकार का दवा के साथ आपका एक्सपोजर हुआ था, ठीक है, बिफोर यू वर बॉर्न, बिटवीन एक उम्र है 1940 से 1971, तो ऐसे लोगों में बहुत कॉमनली लिंक्ड है, तो ऐसे लोगों को जरूर प्रेगनेंसी करना, ये टेस्ट करना चाहिए ड्यूरिंग अ पैप्स। तो ये तो उस लोगों के लिए, जो लोग बॉर्न ही नहीं हुए 100, तो उसका कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो पैप स्मियर जो 1971 के बाद पैदा हुए तो उनको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग पैप स्मियर क्या होगा, आपको लेटाया जाएगा टेबल पे और प्लास्टिक या मेटल का एक इंस्ट्रूमेंट जिसको स्पेक्यूलम बोलते हैं वो आपके वजाइना में डाला जाता है और उसे थोड़ा हल्के से ओपन किया जाता है। किसी प्रकार से बहुत कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं करी जाती है। ये एक फीमेल के गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल या मेल जो भी आपकी प्रेफरेंस हो आप उनसे करवा सकते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट आपके ये करके इसे ओपन करते हैं और एक जो प्रोब है उसे डाल के सॉफ्ट सा स्वैब होता है, जो ब्रश होता है, हल्का सा स्मॉल छोटा सॉफ्ट सा ब्रश होता है, उससे सर्विक्स के ऊपर से थोड़े से सेल्स निकाल के वो भेज दिए जाते हैं लैब में। तो कोई ऐसा पेन नहीं होता, कोई ऐसा दर्द नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, कोई बेहोश नहीं करते। पैप स्मियर जो है, जितनी बार आप जाते हैं डॉक्टर के पास 21 साल के बाद अपने पेल्विक एग्जाम के लिए, है ना, उतनी बार करना चाहिए। यानी अगर आपके डॉक्टर, अगर आपने कभी नहीं कराया तो करना चाहिए। और पेल्विक एग्जामिनेशन में अंदर पैप स्मियर होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं आपका पैप स्मियर नहीं हुआ है कभी और 3 साल के बाद कह रहे हो, 3 साल के बाद कराओ, समझे। अगर आप 21 साल के नीचे हैं तो 21 साल के नीचे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग अभी रिकमेंडेड नहीं है आपकी, और आपके रिस्क बहुत वैसे ही बहुत कम है। सो एनी चेंजेस इन सर्वाइकल सेल्स जो है विल लाइकली टू गो अवे ऑन देयर ओन अगर वो 21 साल के नीचे, तो 21 साल के ऊपर ही आपने ये कराना। प्रिपरेशन के लिए ऐसा कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन जो यूज मेन इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज आपको करनी है कि पीरियड्स होने के बाद पीरियड्स का लास्ट डे जब होगा, आखिरी दिन ब्लीडिंग खत्म, उसके 5 दिन के बाद जाके आप ये टेस्ट कराएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीरियड के टाइम पे नहीं कर सकते आप, उस समय टैम्पॉन टूम्पॉन यूज नहीं करना है। बर्थ कंट्रोल पिल अगर आप चल रही है, जेली फोम क्रीम, तो वो फिर आप पैप स्मियर नहीं कर सकते। कोई और क्रीम वेजाइना में दवाई डालने वाली दवाई आप नहीं यूज करें उस टेस्ट के आगे पीछे। कोई वेजाइनल डूश या रिंस आपको नहीं करना है और उस टाइम वेजाइनल सेक्स नहीं करना है। कितने दिन तक? 2 से 3 दिन बिफोर योर टेस्ट, 2 से 3 दिन टेस्ट से 2 से 3 दिन पहले तक सेक्स भी नहीं करना है। तो ये टैम्पॉन नहीं यूज करना, ये दवाइयाँ नहीं यूज करनी, ये डूश नहीं यूज करना, क्रीम नहीं यूज करनी और सेक्स भी नहीं करना 2 से 3 दिन तक, तब आपके टेस्ट सही से आते हैं। एनालाइजिंग टेस्ट के रिजल्ट कैसे एग्नाइज करते हैं? पैप स्मियर अगर नेगेटिव है, मतलब कि कोई एबनॉर्मल सेल नहीं मिले, कोई गड़बड़ नहीं मिली आपके टेस्ट में, और आप सीधा 3 साल के बाद अपना टेस्ट कराएं। अगर आपका HPV रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नॉर्मल आता है अगर, तो 5 साल के बाद कराओ, और पॉजिटिव आता है तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे आपको कौन सी दवा लेनी है, क्या करना है, ठीक है। अगर कोई अनक्लियर या अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है, मतलब क्या है कि या तो सेल ही प्रॉपरली नहीं आए, सही से टेस्ट ही नहीं हुआ, या सेल्स जो है सारे जुड़ गए या म्यूकस से छुप गए और अच्छे से हुआ नहीं, तो फिर अगले 2-3 महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद फिर से एक बारी टेस्ट करा के देख सकते हैं। रिजल्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है, मतलब उसमें एबनॉर्मल सेल मिले हैं। एबनॉर्मल सेल का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो चुका है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको सिर्फ कैंसर का रिस्क है। माइनर चेंजेस और सेल्स में कई बार अपने आप नॉर्मल भी हो जाते हैं, इसीलिए आपके डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे कि इसको कुछ दिनों बाद चेक करके देखेंगे क्या है, एबनॉर्मल सेल है। अगर कोई सीरियस सेल चेंजेस मिलते हैं तब वो कैंसर में तब्दील हो सकते हैं, अगर आपके वो यूट्रस को निकाला नहीं गया। तो ऐसे केस में अगर कोई सीरियस चेंजेस दिखते हैं तब आपको वो बोला जाता है कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, तो वो ऑप्शंस होते हैं। सो टॉक विथ योर डॉक्टर, विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट कि आपके केस में कब करना बेहतर है पैप स्मियर और बेटर क्या है। क्यों?
हजारों वुमेन एक्चुअली हर साल सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं और उनकी लिटरली जान जाती है, क्योंकि ये इस प्रकार का कैंसर है जो लेट पकड़ में आता है, जब ये फैल जाता है यहाँ से तब पकड़ में आता है। तो एक केवल छोटा सा पैप स्मियर जिसमें HPV का टेस्ट हो, वो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे है टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। एकमात्र कैंसर है ये जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो पैप स्मियर, पैप टेस्ट, सर्वाइकल साइटोलॉजी, पेपिनुकुलर टेस्ट, पैप स्मियर, वजाइनल स्मियर टेक्निक, ये सब उसी के नाम है। इसको जरूर कंसिडर करें अपने डॉक्टर से जाके, खासकर अगर आपके फैमिली में किसी को भी कैंसर है, मदर को या ग्रैंड मदर को, तो बिल्कुल जरूर आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए, जरूरी है, मतलब रिकमेंडेड, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक करें, इस इंफॉर्मेशन को अपने फीमेल कम्युनिटीज में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।